हाथ दबा के ऐसे हाथ फिक्स रखो। दोस्तों मैं आज अनार का जूस निकालूंगी। दोस्तों हम लोग यही सोचते हैं कि अनार का जूस तो बहुत महंगा है और मार्केट से ही निकलेगा और हमारे पास मशीन नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं निकाल के घर पर पी सकते हैं या अपने बच्चों को हम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये मेरा अपना खुद का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं एक अनार का भी जूस अपने घर में निकाल के अपना बच्चा लोग को मैं पिलाती थी और आज भी पिलाती हूँ, जबकि हमारे पास कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी हमारा किचन का बर्तन है ना, वही सब यूज करती हूँ और उसी सबसे बहुत आसानी से फ्रेश जूस निकलता है। दोस्तों अनार काटने का मैं सही तरीका आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि अनार काटने का इस तरीके से अनार को कट करिए। इससे क्या होगा ना कि अनार का जो रस होगा ना वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों। सारे अनार को मैंने छील के इस तरह का दाना निकाल ली हूँ और निकाल करके मैं दो पानी से धो करके ऐसे छानने वाला जो बर्तन होता है ना, ऐसे बर्तन में छान लीजिए कि जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा ना वो निकल जाएगा, नहीं तो जूस में मिक्स हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। फिर अब हम क्या करेंगे, यहीं पे कुछ इस तरह का थाली लेंगे दोस्तों, गढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा, और अब हम इसमें अनार को डालेंगे। अब इस तरह का हम ग्लास लेंगे जिसका पेनी ऐसा हो, और ग्लास की सहायता से इतना फ्रेश निकलेगा ना दोस्तों जूस। देखिए दोस्तों ये कितना फ्रेश है, और ये जो है ना जूस दोस्तों ये बहुत मीठा लगता है, ये बहुत मीठा लगता है। जो बच्चा नहीं पीना चाहता है ना, छोटा बच्चा लोग को टेस्ट चाहिए, वो लोग नहीं पीना चाहता ना, तो ये वाला जूस पी लेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कसा नहीं रहता है, केवल मीठा मीठा ही लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देती हूँ। और ये भी जो है इसमें डाल देती हूँ और सब मिला के दोस्तों जूस निकालती हूँ। इतना आसान है ना कि आप भी निकाल के पिलाना सीख जाए, पिलाने लगेगा। मेरा वीडियो अगर देख लिए ना तो सच बता रही हूँ, आज के बाद आपका बच्चा ये, आज के बाद आप ये डिसाइड कर दीजिएगा कि मैं भी अपने बच्चे को घर पर ही जूस निकाल के पिलाऊंगी। बट नहीं, ना बर्फ ना पानी ना केमिकल कुछ नहीं, अपने बच्चे के टाइम के अनुसार से, अपने टाइम के अनुसार से घर में अगर एक भी अनार है उसका फ्रेश जूस निकालकर अपने बच्चे को कैसे पिलाएं, ये इस वीडियो में मैं यही बता रही हूँ। ज्यादा कुछ मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अनार का जूस के नाम सुनते ही होता है कि अरे ये तो मार्केट से ही आएगा तो होगा, चाहे हमारे पास तो मशीन नहीं है ना, नहीं तो मैं निकाल। सब बच्चे तो दाना नहीं खाते ना, सब बच्चे लोग दाना भी नहीं खाते हैं, और 8-9 महीना का जो बच्चा होता है वो दाना नहीं खाता है ना, उसको लिक्विड चाहिए। तो इस तरीके से आप पिला सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना फ्रेश जो जूस है निकल के रेडी है। अब आप ये कहिएगा कि ये सब कैसे निकलेगा, ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। चलिए मैं सर्व करती हूँ इसको, ये देखिए छन्ना। दोस्तों ये अनार का जूस कितना फ्रेश घर में बना के मैं रेडी की हूँ, कितना आसानी से रेडी की हूँ, सबसे बड़ी बात है। और बच्चे के अकॉर्डिंग कि हाँ अब हमारा बच्चा पीने के लिए प्रिपेयर है, उसको जूस चाहिए, तो उनके उनके सामने अगर जूस निकालिएगा ना, वो भी बच्चा लोग भी मजा लेता है कि मम्मी मेरे लिए जूस निकाल रही है। तो इस तरीके से जूस निकाल करके अपने बच्चे को पिला सकते हैं, या फैमिली में किसी को भी पिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे को ही पिला सकते हैं, कोई भी मेंबर को पिला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिना किसी मशीन के अगर आपको घर में बिना मिलावट के अगर जूस निकल जाए तो क्या बात है। तो देखिए दोस्तों इसमें आप नमक भी लगा के पी सकते हैं। तो ये घर पे जो मैंने आप लोग को आसान तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने अनार का जूस निकाल के आप लोग के सामने जो मैं दिखाई हूँ, आप लोग को कैसा लगा है। आप लोग अगर वीडियो ये हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और
चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग कब ऐसा जूस निकाल करके अपने बच्चे को या फैमिली में पिला रहे हैं।